नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और सबकी नजरें इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत पर टिकी हुई हैं कि सरकार कैसे बनेगी महाराष्ट्र में। 13 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं किस तरह से रस्साकशी जारी है बीजेपी और शिवसेना के बीच। और महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस बीच कहा है कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी को सरकार बनाने का जनादेश मिला है, ये बात शरद पवार ने कही है। शरद पवार से दरअसल मिलने के लिए गए थे संजय राउत और उसके बाद वो मातोश्री पहुंचे हैं जहां वो उद्धव ठाकरे से इस वक्त बात कर रहे हैं। और शरद पवार से मिलने जब संजय राउत पहुंचे तो लगातार चर्चा इस बात को लेकर तेज हो गई कि जो प्लान बी की बात हम लगातार कर रहे थे कल से कि शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बना दें और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे दे, क्या इस प्लान बी पर आगे काम कर रही है शिवसेना। लेकिन शरद पवार अब कह रहे हैं कि हमें तो विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। तो महाराष्ट्र की सियासत पर और अब तफसील से जानकारी ले लेते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, एहसन अब्बास हमारे साथ हैं और राकेश त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे पहले आप बताएं, संजय राउत गए थे मिलने के लिए शरद पवार से और सुगबुगाहट तो ये तेज हो गई थी कि सरकार बनाने की कवायद की जा रही है ये पूरी, लेकिन शरद पवार अब कह रहे हैं कि हमें तो विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। देखिए मीमांसा, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शरद पवार का ये जो बयान है वो इसलिए सामने आया है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो है उन्हें अभी तक का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। लेकिन एनसीपी के जो सूत्र हैं और सेना के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो प्रपोजल एनसीपी की तरफ से गया था शिवसेना को, उस पर एनसीपी चाहती है कि पहले जो मौका है वो बीजेपी और सेना को मिले। अगर वो दोनों सरकार नहीं बना पाते हैं और राष्ट्रपति शासन की अगर नौबत यहाँ पर आ पाती है तब ऐसे में जो है उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो सही खड़ा होगा एनसीपी का और कांग्रेस का, ये कहते हुए कि चूंकि राज्य राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है और ऐसे में राज्य की भलाई के लिए जो है ये पार्टियां एक साथ आकर के सरकार बनाने का फैसला ले रही है, तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए अगले जो 48 घंटे हैं वो अब अहम हो जाते हैं। शिवसेना जो है अपना स्टैंड 48 घंटे के बाद जो एनसीपी को बताना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ इसी के साथ जो है शिवसेना लगातार बीजेपी के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ाए रखना चाहती है ताकि जो अगले 24 घंटे जो है वहां उसमें बीजेपी जो है कोई ना कोई पॉजिटिव डिसीजन जो है वो सेना के पक्ष में ले। एक और जानकारी मीमांसा इस वक्त सामने आ गई कि कहीं ना कहीं आरएसएस की तरफ से जो है अब ये कवायद शुरू की जा रही है कि चूंकि देवेंद्र फडणवीस इस मामले को सुलझाने में कहीं ना कहीं सफल उतने उस हद तक नहीं गए, ऐसे में क्या नितिन गडकरी को ये जवाबदारी दी जाए कि वो इस विवाद को, इस डिस्प्यूट को जो है सुलझाएं। लेकिन जानकारी ये मिल गई सूत्रों से कि देवेंद्र फडणवीस ने 24 घंटे का वक्त मांगा है और उनका ये दावा है कि 24 घंटे में वे शिवसेना को मना करके उनके साथ में जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। ऐसे में अगर 24 घंटे जो है वो अहम है देवेंद्र फडणवीस के लिए भी, अगर वो खुद जो है इस मामले को आगे नहीं जो है उसमें उनको सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर नितिन गडकरी को पिचिंग किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी वो शख्स हैं जिन्होंने 5 साल पहले जब विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तब शिवसेना में और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी को दोनों को एक साथ लाकर के बातचीत करवाई थी, यानी कि शिवसेना के साथ उनके किस तरीके के पुराने गहरे नजदीकी संबंध है ये सभी को पता है। ऐसे में आने वाले वक्त में कौन जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है इस पर सबकी निगाह टिकी होंगी, क्या वो फडणवीस होंगे या नितिन गडकरी होंगे। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर जो एक बार दिखाना चाहूंगा यहाँ मातोश्री की, जहां पर संजय राउत तो यहाँ से निकल चुके हैं लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर अनिल देसाई, सुभाष देसाई, ये अनिल सरदेसाई, सुभाष देसाई, विनायक राउत जैसे कई जो नेता हैं वो अभी भी यहाँ मातोश्री के भीतर मौजूद हैं जो कि उद्धव ठाकरे से इस मामले में बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ से एक मैसेज साफ तौर पर दे दिया गया है कि शिवसेना अब इस मुद्दे पर बीजेपी से अगले 24 घंटे तक कोई बातचीत नहीं करेगी। यही वजह है कि आज का जो उनका सामना का जो एडिटोरियल है उसमें उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल चर्चा नहीं की है, उन्होंने ये भी तय कर लिया कि हमें जो कहना था, हमारा जो एक लाइन का जो प्रस्ताव था वो यही है कि जो जिस बात पे, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे अलायंस हुआ था 50-50 का फॉर्मूला, उसी अलायंस के ऊपर जो है बीजेपी बात करे और आगे प्रपोजल रखे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके आगे शिवसेना फिलहाल अगले 24 घंटे तक वेट एंड वॉच की जो उनकी भूमिका है वो निभाएगी। वो ये देखना चाहती कि पहले बीजेपी की तरफ से आगे क्या कदम होता है। तो कल हमने देखा था कि बीजेपी ने जो गेंद है वो इनके कोर्ट में फेंक दिया था शिवसेना के, लेकिन अब शिवसेना का जो रुख है वो अड़ियल नजर आ रहा है और उन्होंने दोबारा से जो गेंद है वो अब बीजेपी के कोर्ट में डाला हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी की अभी फिलहाल जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है सह्याद्री में। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अगले 24 घंटे जो हैं काफी अहम साबित हो सकते हैं और उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। मीमांसा,
जी बिल्कुल, एहसन भी हमारे साथ हैं। एहसन और फणवीस भी पहुंचे थे नागपुर, संघ प्रमुख भागवत से उन्होंने चर्चा की है। अब क्या भागवत ही ये पेच सुलझाएंगे जो महाराष्ट्र में इसमें इस वक्त फंसा हुआ नजर आ रहा है, और क्या नितिन गडकरी को भी पिचन करना पड़ेगा? देखिए मैं मानसा एक बात में बता दूं कि आरएसएस के और शिवसेना के रिश्ते, ये जग जाहिर है, महाराष्ट्र की हर जनता जानती है कि रिश्ते बहुत अच्छे कभी नहीं रहे। दिवंगत बाला साहब ठाकरे ने हमेशा आरएसएस को लेकर काफ़ी कड़े रुख अपनाए और काफ़ी कटाक्ष किया है भूतकाल में, वो ऐसे में। लेकिन फिर भी अब नितिन गडकरी खास जाहिर के आरएसएस मुख्यालय के करीबी हैं, और ऐसे में नितिन गडकरी जो अपने पुराने जो उनके रिश्ते हैं शिवसेना में उसके कहीं कहीं से टटोल सकते हैं ऐसे मौके में। लेकिन एक बात ये साफ है कि जो अमित शाह खेमा है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि देवेंद्र फडणवीस जो खेमे को फिलहाल किसी तरह से ऐसा प्रतीत हो कि आला कमान देवेंद्र फडणवीस से नाखुश है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को साफ ताकीद बीजेपी आला कमान की तरफ से कर दी गई है कि शिवसेना से बातचीत का जो रुख जारी रखिए। लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे का ही होगा, तो साफ है कि बात इसी बात पर अटकी पड़ी है, पेच फंसी है। शिवसेना कह रही है कि हम बीजेपी से अगर बातचीत तभी करेंगे जब मुख्यमंत्री कुर्सी पर बात से शुरुआत हो। अब साफ है कि ऐसे में ठीक है। ऐसा हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सतीश जी, अब 9 नवंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल है, उससे पहले सरकार का गठन हो जाना चाहिए, और जिस तरह से हम देख रहे हैं खींचतान बीजेपी शिवसेना किस तरह से लगातार ये बार्गेनिंग करने की कोशिश की जा रही है, वहीं शिवसेना और एनसीपी वेट एंड वॉच पॉलिसी इस वक्त अपना रहे हैं, किस तरह से बनेगी सरकार, क्या देख रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में अभी दो चाणक्यों की लड़ाई चल रही है। एक चाणक्य हैं शरद पवार, और पिछले 5 साल में जिस तरह से जो है फडणवीस ने महाराष्ट्र को चलाया है तो उनकी तुलना भी जो है चाणक्य से की जा रही है। और लेकिन अभी ऐसा पेंच फंस गया है कि दोनों ही इस पेंच को नहीं सुलझा पा रहे। एक तरफ शरद पवार कांग्रेस को अपने साथ लेने में नाकाम रहे हैं, उन्हें पहले लग रहा था कि वो सोनिया गांधी को मना लेंगे शिवसेना का समर्थन करने के लिए, लेकिन जो है कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई, और कांग्रेस ने एक और शर्त भी जो है डाल दी कि जो है सबसे पहले शिवसेना केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे। और दूसरी तरफ जो है वो शरद पवार की पार्टी की तरफ से भी एक शर्त आ रही है कि मुख्यमंत्री जो है 2.5 साल का हो जी, तो इस वजह से मामला जो है वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से फिलहाल तो फंस गया है। पर दूसरी तरफ जहाँ तक भाजपा और शिवसेना का सवाल है, उनमें अभी भी जो है टसल जारी है। देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे झुकने के लिए तैयार नहीं है, पर एक बात बड़ी साफ लगती है कि आखिरकार जो हिंदी की कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर के आए, वही कहावत जो है यहाँ पर लागू होगी, शिवसेना को वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना के सामने खतरा ये है कि उसे जो है वो केंद्र में सरकार छोड़नी पड़ेगी अगर वो भाजपा के साथ नहीं रही तो। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि बंबई नगर निगम पर उसका कब्जा है, अगर वो एक तरह से भाजपा से अदावत लेती है या भाजपा को विरोधी बना लेती है तो जो जल्दी आने वाले चुनाव है, आपने के साथ रहना भी मुश्किल रहता है बीजेपी शिवसेना का, और दूर भी नहीं रह सकते हैं, तो साथ तो मिलेंगे लेकिन ये हमें इंतजार करना होगा किस ऊंट करवट लेता है यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में बैठता है ऊंट। और मुझे वो याद आ रही है बात जो शिवसेना ने कही थी कि जो सीटों का बंटवारा हो रहा था तब भी कहा था कि महाभारत की लड़ाई जैसा है, तो अब तो यहाँ पर सवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि 13 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सका है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी अपनी यहाँ प्रतिक्रिया देने के लिए। और